जनपद में बुधवार को जिला अस्पताल सहित प्राइवेट हॉस्पिटल में 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि बुधवार को जनपद में जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, 20 पीएससी तथा प्राइवेट हॉस्पिटल में टीकाकरण किया गया, जिसमें अभी तक कुल 1,80,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। टीकाकरण कराए नागरिकों ने अन्य नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि टीका से किसी भी तरह की समस्या नहीं हुई है, अपनी बारी आने पर टीकाकरण अवश्य कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टीकाकरण कराए नागरिकों व सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, कोई काम रहेगा तब आप लोग समझेंगे कि हाँ मैंने काम नहीं किया था, और एक वजह से कई लोगों का भी काम हर जाए। सरता श्रीवास्तव ठीक है, सब अच्छा है। वही भीड़ अब बढ़ रही है, पहले भीड़ नहीं होती थी, अब भीड़ बढ़ रही है। कोई समस्या क्या? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है, सब ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे और नागरिकों से कैसे हुआ है? नागरिकों से कहेंगे कि अपनी सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक लोग आके लगवाए, कोई डर की बात नहीं है। और जितने इंजेक्शन अधिक से अधिक लोग लगवाएंगे उतने सब सुरक्षित रहेंगे। कहाँ से आए? मैं गोरखपुर से, गोलघर गांधीनगर से आई हूँ। नाम मनसा श्रीवास्तव। आज आपको टीका लगा है, कैसा लग रहा है? ठीक है, कोई समस्या? कोई नहीं। नागरिकों से अन्य लोग नहीं आ रहे हैं लगाने, क्या भेजा जाएगा? नहीं, नहीं। सब लोग सुरक्षित है। तो कहाँ से आए हैं? गोरखनाथ। संजय कुमार श्रीवास्तव। टीका लगा आपको, क्या लगा? बहुत अच्छा महसूस हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग सुन रहे हो सब लोग आकर के अब टीका लगवाएं, ये जरूरी है। राजेंद्र नगर, गोरखनाथ। आज हमारी 20 पीएससी और जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में टीकाकरण चल रहा है, और हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, कुछ हॉस्पिटल्स में टीकाकरण चल रहा है। सर अभी तक कितने लोगों को लगाया? अभी तक हम 1,80,000 के ऊपर टीकाकरण करा चुके हैं।